और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे तीन भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 सिंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगा कर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने ना हाल चल पूछने। मैं कल रात से आई हूँ, मैं यहाँ बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी, मैं वहां मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10:30 बजे से मैं आई हूँ, तब से मैं वहां बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि अब बुलाएंगे लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं किसी ने, आयोजन मंडल ने बुलाया। अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। हम सब साथ हैं, हम तो है ही है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। गुरुजी मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। स्वागत बहन। राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। आप राखी ले आना, आज व्यास पीठ पर ही बांध देना। इनको प्रवेश करवा दिया जाए जब ये आवे, पीएसओ साहब और सिक्योरिटी से कहना है जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। ये धर्म ये जात पात हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने तो सिर्फ हमें भेजा था। कोई गुरु बना रहा है, कोई पादरी बना रहा है, कोई दरगाह बना रहा है, धर्म बांट के आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जो गलत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहन, लाओ पटके, हमारी बहन की जय हो, हमारी बहन की जय हो। और आप राखी लाओ बहन, बस बहन आपको प्रणाम नहीं करना, हमारे यहाँ बहनों को प्रणाम नहीं करवा। आप राखी लाओ बहन, खुश रहो, हमारी बहन की जय। उठ बैठो बहन, बालाजी को प्रणाम करो, उठ बैठो। स्वागत है आपका सनातन धर्म, ये भभूति बहन, और कल हम आपका नामकरण करें। अगर आप लोग इसे गलत मानेंगे तो ये आपकी विचारधारा है, हम किसी भी प्रकार से किसी को प्रभाव नहीं। सनातन की ताकत, सनातन के मंत्रों का चमत्कार बताते हैं कि सनातन के संतों की तपस्या में कितनी ताकत है, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष ये है।
और हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है, क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। अगर ये किसी को डर है तो डर बना रहना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन है आज से इस लड़ाई में जीवन भर के लिए? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन विरोधी मूवी बनाएगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? बायकॉट। अगर कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसके कथाओं में कौन कौन नहीं जाएगा? अगर कोई न्यूज चैनल अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसको बायकॉट कौन कौन करेगा? करोगे? सौगंध है तुम्हें, अब जगना होगा। और तुम चिंता मत करो, हमारे जो गुरुजी की तपस्या है उसका हम ऐसे ही प्रचार करते रहें, चाहे 1,00,000 तूफान आ जावे। फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो सत्य सनातन धर्म की। आज का दरबार, 2 दिन का दरबार यहीं विराम होता है। हम कुछ देर में कथा के लिए आएंगे, चाय बाय पी लें, तनक सी लोचाई खा लें, भूख लगो आगे को लगो, बुढ़ापे को शरीर आए हमार, सब बने बने हैं। झंडा गड़गा सनातन को। अच्छा, जो चुनौती दे रहे थे, उंगली उठा रहे थे, उनकी ठटरी भर गई? भर गई? हाँ, चिंता मत करो, अब खूब मुस्कुराओ, बड़े आनंद में रहो, और छत्तीसगढ़ हम आते रहेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। इन बहन का मोबाइल नंबर, इन बहन को प्रवेश, अभी राखी लेकर आएंगी और कल इनका नामकरण होगा, तो कल भी इनको एंट्री दीजिए, सिक्योरिटी से हमारा कहना है। और सबको जय सियाराम।